और इतिकाफ से जुड़ी मदनी खबर पेश खिदमत है मुख्तलिफ मकामात से, जहाँ आशिकाने रसूल के मदनी कामों की जानिब डालते हैं एक मीठी सी नज़र कि दावत इस्लामी के तहत बेशुमार मकामात पर ये इस्लाह फ़र्द और माशरा की एक कोशिश है। आपको दीन और दुनिया के बारे में, आखरत के बारे में इल्म दावत इस्लामी देती है। यहाँ का जो माहौल देखा है और जो कुछ ये जिस तरह से ये कर रहे हैं वो देख के मैं हैरान रह गया हूँ कि हम लोग घर में एक छोटा सा कोई फंक्शन करें तो वो नहीं संभाल सकते, जबकि इन लोगों ने यहाँ पे कोई 250-300 बंदों को संभाला है और बहुत ही जो मतलब है कि बहुत ही प्यार मोहब्बत से हमें रखा हुआ है और जितनी तालीम ये दे रहे हैं वो काबिल तहसीन है। फैजान मदीना में नवा इतकाफ है और मैंने फैजान मदीना में जो कुछ सीखा है मैं जितनी तारीफ करूं इतनी कम है। मैंने कुरान यहाँ आकर सीख किया है, मैंने नमाजें अपनी यहाँ आकर सीख किया है और मैंने सारी ज़िंदगी इतकाफ करने का इरादा कर लिया है और काफिलों में जाने का इरादा कर लिया है और मैंने और जगह जगह इतकाफ किए, लेकिन जो मज़ा इस फैजान मदीना में आया है वो कहीं भी वो नहीं आया है। कुछ अर्सा हुआ है मुझे माहौल से वाबस्ता हुए, बहुत कुछ सीखने को मिला है। अल्लाह ताला अमीरे अहले सुन्नत को लंबी उम्र अता फरमाए, उनका साया दावत इस्लामी पर तादेर कायम फरमाए। मैं भी यहाँ से एक 12 दिन का मदनी काफिला जो G11 में है वो भी इंशाल्लाह करूँगा इंशाल्लाह। और इधर आ गए माशाल्लाह, मुझे बहुत चीज़ें सीखने का मिला और देखने का भी मिला दावत इस्लाम की तरफ से, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक काफ़ी चीज़ें मैंने सीखा और देखा भी हूँ और उनसे समझा भी हूँ, और मैं दाढ़ी भी रख लिया और मैं अमामा शरीफ भी सर में बांध लिया। मैं ये नियत करता हूँ जो भी मैंने यहाँ आकर सीखा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं यहाँ से जाकर अपनी यूनिवर्सिटी में जो भी मेरे साथ रिलेटेड मेरे क्लास फेलो उन्हें भी बताऊँगा, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल मैं ये नियत करता हूँ कि मैं इमामा शरीफ और हर जुमेरात को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इज्तिमा पे भी आया करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे इन दिनों में जितनी सुनते हैं और दीन सीखने को हमें मिला है शायद हम ज़िंदगी भर भी सीख ना पाते। मैंने नियत की है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों को भी मदनी माहौल में लेकर आऊँगा। मैं सब इस्लाम भाइयों को गुजारिश करता हूँ कि जो भी अपने अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करना चाहते हैं दावत इस्लामी के माहौल से मुंसलिक हो जाएं। Come.
شور ہوگا جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا پھر شور ہوگا کیا میری زندگی یہاں پہ بیٹھ کے امامے کی نیت کی ہے، مدنی لباس کی نیت کی ہے۔ اس ماحول سے وابستہ ہونے کے بعد یہاں ہم نے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھنے کو ملی ہیں۔ مثلا پانچ فرض نمازوں کے علاوہ ہم لوگ یہاں اشراق چاش کی نماز بھی پابندی سے ادا کر رہے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، ابابین ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمیں مختلف مواقع پہ مختلف سنتیں سکھائی جاتی ہیں، نماز کے مسائل سکھائے جا رہے ہیں۔